हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और जिस दिन श्याम की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी उसके 3 दिन बाद का वीडियो है, क्योंकि डॉक्टर ने जिस दिन छुट्टी हुई थी तब ये बोला था कि आपको 3 दिन बाद अपने बच्चे को फिर से लेके आना है दिखाने के लिए। तो हम लोग 3 दिन बाद इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल आए हैं, तो उसी दिन का वीडियो है। और क्योंकि तब भूख लगने से संबंधित सिरप वगैरह और हेल्थ से संबंधित नहीं दिए थे डॉक्टर ने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही दवाएं दी थी कि ये वॉमिट वगैरह कंट्रोल हो, इस वजह से ये दवाएं नहीं दी थी। इसीलिए 3 दिन बाद बुलाया था। तो अभी डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे, उनको दिखाने के बाद में जो उन्होंने दवाएँ लिखी हैं वो सब दवाएँ यही मेडिकल से ले रहे हैं। और श्याम की तबीयत पहले से देखते हुए बहुत ज़्यादा सही है, बस रही खाने पीने की टेंशन, खाता नहीं है। तो डॉक्टर ने भूख वगैरह की सिरप दिए हैं तो खाने लगेगा थोड़ा बहुत, और अभी दवा गोली चली है इतने ज़्यादा, तो इस वजह से वैसे भी उसका मन नहीं करता होगा। और हॉस्पिटल से घर आने के बाद में यहाँ पर मैं इसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये खाना खाने में ही बहुत नखरे करता है। एक तो इतना रोता है, पहले आराम से खा लेता था, इसे खाना खिलाते टाइम गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाते टाइम ही परेशान करता है, खाता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैंने खिचड़ी बनाई थी इसके लिए, वही खिलाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद में ये गए थे मोमोज की दुकान साइड, तो बच्चों की डिमांड थी कि मोमोज ले आना इनसे, तो ये अभी मोमोज लेके आए थे। तो मैं यहाँ पर सब कटोरियों में चटनी सर्व कर रही हूँ, मोमोज और चाप है, मिक्स है, तो बस वही अब मोमोज परोस दिए हैं। और सच में मोमोज बच्चों के साथ में हम सबको टेस्टी लगते हैं। और ये है उसके अगले दिन की वीडियो। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि दीदी का स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है, तो वो बोल रही थी कि पराठे ही सेक दो, फिर बाद में खाना बनता रहेगा। तो लड्डू गोपाल के लिए पराठा सेका है, उसके बाद में फिर दीदी के लिए सेक रही हूँ, तो वो टिफिन में भी रख लेंगी और खा भी लेंगी। और दीदी खा रही थी खाना, तो इसको भी खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो भागा भागा फिर रहा था। तो ये देखो, उसे तो बैलून मिल गया है, उसके भैया ने फुलाया, इसमें डबल ट्रिपल बैलून है अंदर, एक वाइट अंदर है, तो इस तरीके से उसने उसे दे दिया है, तो वो सब खेल में मस्त है। तो बस अब दीदी निकल रही है स्कूल के लिए, और मॉर्निंग से इतना ज़्यादा धूप हो जाती है। और आज बोट भी खुलने हैं, तो उसी वजह से सुबह से ही न्यूज लग चुकी है टीवी में। तो यहाँ पे मतलब गणना चल रही है कांग्रेस और भाजपा, इनके वोटों की गणना चल रही है, ये देखो। तो यही सब देख रहे हैं न्यूज में। पश्चिमी बंगाल से 19 सीटों बीजेपी को, दो कांग्रेस को 17, टीएमसी को, बिहार से बीजेपी को 13 सीट, कांग्रेस को 3, जेडीयू को 4, 8, आरजेडी को गुजरात 26, में से 22 सीट 4 कांग्रेस। और इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये गोली लग जाता है तो तुरंत ढूंढ लेता है, हर कमरे में जाएगा फिर ढूंढ ही लेता है, कहीं कर्टन के पीछे, कहीं गेट के पीछे, ऐसे ढूंढ लेता है तुरंत। तो बड़ा खुश होता है ढूंढने के बाद में, इतना खुश होता है कि बहुत ज़्यादा कि मैं ढूंढ लिया। दादा कहाँ है? ढूंढो दादा कहाँ है, झांक रहा है, झांक रहा है। देख लिया, देख लिया। द्वार
और टीवी में न्यूज़ चल रही है वोट खुलने के बारे की, तो ये देखो कितने खुश हो रहे हैं क्योंकि उसमें नंबरिंग चल रही है दोनों साइड कांग्रेस और भाजपा की, तो कम ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो नाच रहे थे। और ये पोहा लेके आए थे, बच्चों को साथ में लेके गए थे, तो वो वहीं से खा आए हैं, और एक प्लेट मेरे लिए भी ले आए थे घर के लिए। तो यहाँ पे मैं खा रही थी तो थोड़ा ज़्यादा सा लगा था, तो मैंने एक प्लेट में निकाल दिया कि बच्चे खा लेंगे, तो वो बोल रहे हैं मौसी हम खा आए हैं, तो फिर मैंने इनको दे दिया, नहीं तो वो ख़राब होता रहता। और उसके बाद मैं यहाँ दाल पकने के लिए रख दी है, और दाल पक गई है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और अभी मुझे दाल फ्राई करनी है, फ्राई नहीं की है, पहले रोटियाँ सेक लूँ तब फ्राई करूँगी। और रोटी बनने के बाद में मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह दाल फ्राई करने के लिए काट लिए हैं, और यहाँ चढ़ा दिए इंडक्शन में कढ़ाई। अभी लाइट आ रही थी तो मैंने कहा चलो इंडक्शन में ही बना लेते हैं, दाल फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो न्यू कढ़ाई है ना दीदी की, वही वाली कढ़ाई है, मैंने अच्छी लगती है देखने में काफ़ी। और यहाँ पे श्याम को गोलू स्लीपर पहना रहा है और वो पहन नहीं रहा है, बस वो तो उतरने की कोशिश कर रहा है कि मैं सोफ़ा से उतर जाऊँ और यहाँ से भाग जाऊँ। तो जैसे तैसे स्लीपर तो पहना दी है उसने, और बस इसे स्टॉल उठा के ले जा रहा है बाहर के साइड। और यहाँ पे ये इसको ले जा रहे हैं हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि इसके गर्मी के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े बाल से हो गए थे और वो बांधने लायक भी नहीं थे, और इसका मुंडन भी हो चुका है, तो हम आराम से इसके बाल कट करा सकते हैं। वैसे मुंडन नहीं होता है तब तक हेयर कट नहीं करा सकते हैं, लेकिन अब मुंडन हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे दुकान में भी पहुँच चुका है श्याम, और बड़ा अभी तो सोच में है कि मुझे कहाँ बैठा दिया गया है। और ये बता रहे थे कि पहले तो शांत बैठा रहा था, फिर बाद में थोड़ा परेशान किया था, लास्ट में थोड़ा जो हेयर कट रह गए थे इसके तब ज़्यादा परेशान किया था। और मतलब बीच के थे ना, तो इतने बड़े थे कि मैं उसको बांध सकूं, चोटी कर सकूं इसकी, और गर्मी भी इसको लगती थी वैसे थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसकी हेयर कट करा ही देते हैं और आराम से अब कटा सकते हैं। मुंडन नहीं होता है तब तक, बच्चों का ये है कि कटा नहीं सकते, मुंडन होने के बाद में फिर आराम से कटा सकते हैं। पीछे के बाल भी उड़ा दिए गए हैं और अगल बगल के भी उड़ा दिए गए हैं, बीच के बाल बचे हैं, तो ऐसा लग रहा है। बात नहीं, ठीक है गर्मी के हिसाब से। मेरा मन ये था कि अगल बगल से थोड़ा सेट हो जाते कानों के साइड से, और पीछे से थोड़ा सेट हो जाते, और एक नंबर की मशीन थोड़ा हल्के सेट कर देती तो अच्छा लगता, जैसे टू साइड बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से कराना था, पर कोई बात नहीं ठीक है जैसे भी हैं। और गोलू भी साथ में गया था इनके। और श्याम अपने हेयर कट करा के आ चुके हैं घर, और ये देखिएगा घर आने के बाद में बस सीधे भागेगा, बस फिर तो ऐसा लगता है कि बंदिशों से आज़ाद हो रहा है। ये देखो अच्छे लग रहे हैं, इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं, पर ये है ना कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सेट कराने थे, पूरे पीछे से खाली करा दिए हैं। और एक तो श्याम का पहली बार हेयर कट हुआ है, दूसरा उसके पापा ने सिर के अगल बगल के और पीछे साइड के पूरे बाल ही साफ करा दिए हैं। थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद इसको मैंने अभी नहलाया है, क्योंकि कपड़ों में बाल वाल से छपे हुए थे, नहलाने के बाद बस अभी कपड़े वगैरह पहना के तैयार किया है,
बस अब ये सोएगा क्योंकि सुबह जल्दी ही जाग गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब करना ताकि हमारे नई ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।